तो गाइज आज मैं एक ऐसे गेम के कंट्रोल्स बताने वाला हूँ जो गेम मुझे खेलना नहीं आता, माइनक्राफ्ट। अब भाई बनाने पड़ती है ना व्यूज उसके लिए यार, आप भी देख सकते हो यार, मैंने GTA 5 के कंट्रोल्स की बनाई तो उस पर 9 लाख से ऊपर व्यूज आ रखे हैं, मतलब मिलियन क्रॉस करने वाले हैं। बकवास बंद करता हूँ, अभी टॉपिक पे आते हैं। देखो माइनक्राफ्ट के कंट्रोल्स पे है ये वीडियो, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूवमेंट कंट्रोल्स के बारे में। अब देखो ई का है बे, नानी ओमाए वा मो शिंदेइरू। ओ भाई ये क्या हो रहा है? अबे मेरी हेल्थ अपने आप कम हो रही है। ओ सही है पानी भाई, यहाँ की तो भाई सच्ची बता रहा हूँ मधुमक्खी भी इतनी डेंजर है ना। छोड़ो ये थी वो हराम खोर, नहीं भूल गई मेरे को शायद। हाँ तो गाइज टॉपिक पे आते हैं। तो गाइज अभी हम बात कर लेते हैं मूवमेंट कंट्रोल्स के बारे में। तो मूवमेंट कंट्रोल्स बेसिकली सबको पता होता है नॉर्मली, अब नहीं पता नूबड़ों को तो मैं बता दें। W से आगे जाना है, आगे जाने के लिए W प्रेस करना पड़ेगा, लेफ्ट जाने के लिए A, राइट जाने के लिए D और पीछे जाने के लिए S, ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं भागने के लिए कौन सा, मतलब स्प्रिंट करने के लिए कौन सा है। अब जैसे नॉर्मल तो ऐसे चलता है और भागता है ऐसे है, मतलब तेज भागता है, मतलब तेज चलता है। तो अब उसके लिए आपको W+ लेफ्ट कंट्रोल आपको प्रेस करना होगा, उससे तेज भागेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट कंट्रोल पे आते हैं, जब जंप कैसे करता है। जंप तो नॉर्मली ऑलमोस्ट जिसने भाई सच बता रहा हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस भी खेले ना उसको भी पता होगा। अब W स्पेस बार से जंप होता है, देखो स्पेस बार से ये जंप होता है। अब क्लाइंब, जैसे अब जंप तो ऐसे हो गया, अब जैसे मेरे को किसी पे चढ़ना है तो वो भी सेम प्रोसेस है। अब जंप करोगे ना W+ जंप तो एक क्लाइंब हो जाएगा, W+ जंप। जैसे अब यहाँ पे ऊपर चढ़ना है, ये तो मैंने ऑटो जंप कर रखा है, 1 मिनट कंट्रोल्स ऑटो जंप ऑफ, देखो ठीक है? अब मैं चढ़ नहीं पाऊँगा, अब मैंने W प्रेस कर रखा है लेकिन ये आगे नहीं जा। अब मेरे को आगे चढ़ना है तो उसके लिए आपको W+ स्पेस बार, लेकिन नॉर्मली सबके ऑटो जंप ऑन रहता है। अरे कहाँ पर गया मैं, कंट्रोल्स ठीक है? तो अब इसमें आपको स्पेस बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, देखो ऐसे अपने आप चढ़ जाएगा, मैं केवल W प्रेस कर रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में बात करें तो उसके लिए हमें जाना होगा क्रिएटिव मोड में। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं क्रिएटिव मोड में। अब देखो जिनको नहीं पता सर्वाइवल और क्रिएटिव मोड क्या होता है उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है? अब नहीं पता तो ठीक है वो वीडियो देख लेना। अब क्रिएटिव मोड में उड़ना, जैसे स्पेस बार जंप के लिए तो यूज़ होता ही है और क्लाइंब के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन उड़ने के लिए जब क्रिएटिव मोड में अपन उड़ सकते हैं, जैसे वो नहीं होता आयरन मैन वैसे अपन उड़ सकते हैं। तो इसमें 2 बार स्पेस बार प्रेस करोगे, ट्वाइस स्पेस बार को 2 बार प्रेस करोगे लगातार, मतलब कंटिन्यूसली, तो ये हवा में उड़ने लगे जैसे 2 बार। अब जैसे हवा में तो उड़ गए, लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको स्पेस बार प्रेस करके रखना पड़ेगा। जैसे अब और ऊपर जाना है ना मेरे को, तो आप उसको स्पेस बार प्रेस करके रखना पड़ेगा, ठीक है? तो हम और ऊपर जाएंगे। अब जैसे नीचे आना है तो कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल लेफ्ट नहीं सॉरी लेफ्ट शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये नीचे आएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं एकदम से, जैसे अब मैं बहुत मान लो बहुत ऊपर चल गया, जैसे यहाँ पर चल गया मैं। अब क्रिएटिव मोड में हेल्थ का तो कोई चक्कर होता ही नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हूँ, अब लेफ्ट शिफ्ट से जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब एकदम से आना है तो आपको 2 बार स्पेस बार प्रेस कर दो, देखो एकदम से आ गया। अब इसमें हेल्थ का तो चक्कर है नहीं, वरना हेल्थ बहुत ज़्यादा मर ही जाता ऑलमोस्ट सर्वाइवल में तो मैं, ठीक है? अब ये बात हो गई इसमें, किसमें क्रिएटिव मोड में स्पेस बार का क्या यूज़ होता है, मतलब उड़ने उड़ने का जो भी चक्कर है। अब बात करते हैं नॉर्मल, जैसे अब इस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करना है, अभी मैं क्रिएटिव मोड में हूँ, ठीक है? अब जैसे मेरे को ये ब्लॉक्स है ना ये डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना होगा। अब जैसे मैं 1 मिनट FPP में कर लेता हूँ, जैसे मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा तो ये टूट जाता है, लेकिन ठीक है अभी आप देख सकते हो लेफ़्ट क्लिक प्रेस करने से टूटता है, और अटैक के लिए भी ये यूज़ में आता है। अब जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा ना, अभी मैं स्वॉर्ड निकाल लेता हूँ मेरी। अब जैसे मैंने लेफ़्ट क्लिक प्रेस करा तो ये मर गई। अब मेरे पास वेपन बढ़िया था, वो नॉर्मली नहीं मरती एक बार में, देखो अब इससे मारूँगा ना नहीं मरेगी, ये हराम खोर है ये मार देगा मेरे को।
लेकिन मैं तो वही क्रिएटिव मोड में हूँ। क्रिएटिव मोड में एक फ़ायदा होता है, इसमें आपके पास सब कुछ होता है और आपकी हेल्थ कम नहीं होती, मतलब अनलिमिटेड होती है एक टाइप से, ठीक है। तो लेफ्ट क्लिक अटैक के लिए और डिस्ट्रॉय के लिए यूज़ में होता है। जैसे अब, अरे यार हाँ, जैसे अब यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो ये ब्लॉक्स डिस्ट्रॉय होते हैं। आपको केवल लेफ्ट क्लिक एक बार प्रेस करके रखना है तो एक ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब कंटिन्यूसली इसको होल्ड करके रखोगे तो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे जहाँ तक इसकी रेंज है, ठीक है। अब सर्वाइवल मोड में ऐसा नहीं होता, तो ये सर्वाइवल मोड में क्या होता है, अपन को लेफ्ट, अब जैसे एक ब्लॉक डिस्ट्रॉय करना है, जैसे ये वाला ब्लॉक डिस्ट्रॉय करना है मेरे को, मतलब ये उखाड़ना है एक टाइप से, ठीक है, ये समझ लो। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक एक बार प्रेस नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे एक बार मैंने प्रेस कर दिया तो ये कुछ नहीं हो, आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखोगे तो ये डिस्ट्रॉय होगा। अब देख सकते हो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इसमें आप लाइन्स बनती हुई देख सकते हो, ये देखो लाइन बन रही है धीरे धीरे। अब जैसे ये पूरा ब्लॉक लाइन से भर जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये तो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जैसे नॉर्मल पत्थर वत्थर होते हैं ना, वो बहुत धीरे डिस्ट्रॉय होते हैं। वुड भी बहुत धीरे होता है। अभी देखो वुड ये रहा, अभी आप देख सकते हो बहुत टाइम लगा है इसको, बहुत तो नहीं मतलब टाइम लगा है काफी। तो गाइस नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये टट्टी वाला पोज कैसे करते हैं। तो इस टट्टी वाले पोज के लिए आपको लेफ्ट शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप लेफ्ट शिफ्ट प्रेस करोगे तो सामने वाले को लगेगा भाई भयंकर प्रेशर आया हुआ है, निकल लो ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, मतलब मैं बैक मेन्यू, जैसे मेन्यू खोलते हैं ना नॉर्मल गेम्स में, तो वो कैसे खोल सकते हैं। आप ESC प्रेस करोगे तो वो मेन्यू खुल जाएगा, गेम मेन्यू, मतलब पोज मेन्यू जो भी आप बोलते हो इसको। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, इसकी अपनी स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, ऑप्शंस यहाँ पे, कंट्रोल्स यहाँ से भी आप देख सकते हो। मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ इसमें मिसिंग भी है, ठीक है। और इसमें म्यूज़िक एंड अपने ये म्यूज़िक ऑफ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो वॉल्यूम जो भी है, मतलब ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं गेम में, अब नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे अब मेरे पास आप देख सकते हो, ये नीचे आप देख सकते हो, ये काफ़ी सारे सामान हैं। आप ये जो ब्लॉक्स होते हैं इसमें सामान स्टोर होता है बेसिकली। जैसे अब मैं इस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय किया, अब आप ये देख सकते हो ये जो पड़ा है ये ब्लॉक, इसको मैं जैसे इसके पास जाऊंगा तो ये कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट हो चुका है। और आप नीचे देखो, पहले 5 थे अब 6 हो गए। जैसे अभी 6 है ना ये ब्लॉक, ये इसको डर्ट बोलते हैं बेसिकली। तो जैसे मैं इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। अरे यार, जैसे अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी मेरे पास कितने हैं, 7 ब्लॉक है डर्ट्स के। अब जैसे मैं इसके पास जाऊंगा तो ये कलेक्ट हो जाएगा और मेरे पास 8 हो जाएंगे, देखो 8 हो गए। तो ऐसे ही ये मान लो, अब नॉर्मली इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मल्टीप्लेयर गेम्स में क्या होता है, मान लो किसी फ्रेंड को ज़रूरत पड़ रही है अपने, मतलब उसको नीड है डर्ट की, तो अपन को उसको कैसे दें, मतलब उसको डर्ट कैसे दें, तो मतलब उसके लिए गिराना पड़ेगा डर्ट को। अभी रात हो चुकी है तो बेसिकली हम दिन में आ जाते हैं, चलो दिन भी हो गया। तो अब जैसे उसको डर्ट देना है तो वो कैसे दें, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए गिराना पड़ेगा उसको। तो गिराने के लिए आपको क्यू ई का है बे, अच्छा मर गया, ओ ये। अब जैसे क्या था ये, अच्छा, अब जैसे, अरे यार इतनी लंबी वीडियो कर रहा हूँ मैं। अब जैसे उसको देना है, मतलब उसके लिए गिराना है अपन को, तो आपको क्यू प्रेस करना होगा। जैसे आप क्यू प्रेस करोगे तो एक ब्लॉक गिर जाएगा। अब देखो 7 हो गए, अब एक और बार क्यू प्रेस करूँगा तो 6 हो गए, एक और बार 5 हो गए, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास 10 हैं, 10 के 10 गिराना चाहता हूँ मैं एक साथ, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करोगे तो सारे गिर गए, देखो अब 0 है मेरे पास। अब जैसे इसके पास जाऊँगा तो मेरे पास 8 हो जाएंगे। अब जैसे वापस कंट्रोल प्लस क्यू तो ये सारे गिर गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये माइनक्राफ्ट की, इन्वेंट्री कैसे खोलते हैं। तो ई से खोलना है आपको इन्वेंट्री, ई फॉर एलिफेंट वाला हाथी, ठीक है। तो ई प्रेस करोगे तो ऐसी इन्वेंट्री आपकी खुल जाएगी। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, वरना मैं भी डाल दूंगा इस पर वीडियो, अभी नहीं बाद में डालूंगा। अब देखो ये इन्वेंट्री खुल चुकी है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो भी ये सामान, ये तो अपन नॉर्मली स्क्रॉल बटन करके यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इन्वेंट्री होती है, ये मतलब एक टाइप से बैग है अपना, इसमें भी आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो जैसे मेरे को वो देखना है, वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे कुछ तो है, उसको मेरे को देखना है, शायद तक वो है ज़ॉम्बी है, जो भी है उसको मेरे को देखना है। देखो दिख नहीं रहा क्लियरली, तो जूम कैसे करते हैं इसमें, जूम के लिए आपको सी प्रेस करना होगा। जैसे मैंने सी प्रेस करा, देखो जूम हो गया, वो दिख रहा है, देखो एक तो गायब हो गया अपने आप ही, लेकिन ये देखो ये दूसरा वाला दिख रहा है।
यहाँ से देखो क्लियर नहीं दिख रहा ना, वहाँ पे जूम कर दिया तो ही क्लियर दिख रहा है। तो जूम के लिए सी प्रेस करना होगा आपको। अब मल्टीप्लेयर की भी बात कर लेते हैं। देखो टेक्स्ट कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल गेम में तो सिंगल प्लेयर में तो जरूरत है नहीं टेक्स्ट करके क्या करोगे, लेकिन मल्टीप्लेयर में जैसे बात बात करनी है तो टेक्स्ट के लिए आपको टी प्रेस करना होगा। अब जैसे ये बॉक्स खुल चुका है, ठीक है, इसमें कुछ भी टाइप करो आप, ठीक है, अब एंटर प्रेस करोगे तो वो टेक्स्ट सेंड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये सेंड हो चुका है, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड ये ब्रैकेट्स में ये है, जैसे ट्रायल 1 2 3 4 लिख रखा है, ये मेरा नाम है, तो ये आपका नाम आएगा इधर और बाद में आपने जो भी लिखा है वो आएगा। अब जैसे मैंने ये खोल तो लिया, जैसे मतलब मान लो टेक्स्ट बुक खोल लिया, अब मेरे को कुछ लिखना नहीं है, गलती से खुल गया, तो इसको बैक कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, तो ESC प्रेस कर देना, उससे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड कैसे देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अब मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे इंपॉर्टेंट है क्या है, लेकिन ये बेसिकली बहुत यूज़ में आता है। अब मेरे को नहीं पता कमांड्स कैसे देते हैं, लेकिन कमांड बॉक्स ओपन कैसे करते हैं वो मुझे पता है। अब जैसे स्लैश स्लैश आप प्रेस करोगे तो कमांड बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कमांड बॉक्स ओपन हो चुका है। अब आप कमांड कैसे देते हैं क्या देते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने खेला नहीं इतनी बार। अब वो आप गूगल कर लेना, जिसको खेलना आता है उसको पता भी होगा, नहीं आता तो गूगल कर लो भाई, यूट्यूब पे देख लो, जो भी करना कर लो, ठीक है। अब ये इसमें जो भी आप टाइप करोगे वो कमांड हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कैसे देते हैं, अब इसको क्लोज करना तो मुझे पता है कैसे, ESC प्रेस करोगे तो एक कमांड बॉक्स क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो नीचे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हैं, तो 9 बॉक्सेस इसमें स्विच कैसे करते हैं, देखो पहला ऑप्शन है स्क्रॉल स्क्रॉल व्हील, जैसे स्क्रॉल व्हील को आप स्क्रॉल करोगे अप और डाउन तो ये स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जैसे मान लो को ट्रैक पैड पे खेल रहा हूँ, मतलब लैपटॉप पे, उसके बाद माउस नहीं है, तो इसे स्क्रॉल उसमें थोड़ा मुश्किल होता है करना स्क्रॉल 2 फिंगर्स से, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूज़ कर सकते हो। जैसे 1 प्रेस करूँगा तो ये 1 वाले पे आ जाएगा, ना 6 प्रेस करूँगा तो 6 वाले पे, ऐसे सारे 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये सारे हैं। अब जैसे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट वैसे तो बेसिकली विंडो प्लस प्रिंट प्रिंट स्क्रीन से भी लिया जा सकता है, लेकिन माइनक्राफ्ट वालों ने अपनी तरफ से एक अलग ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे आप F2 प्रेस करोगे तो स्क्रीनशॉट देखो स्क्रीनशॉट हो गया, नीचे लिखा हुआ है देखो स्क्रीनशॉट एज सेव्ड स्क्रीनशॉट एज 2021 04 20 लाभ 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 जो भी है, ठीक है। अब F2 से स्क्रीनशॉट लिया जाता है। अब जैसे मैंने अभी आपको देखा होगा आपने, मैंने FP और TPP में कन्वर्ट किया था, अब वो कैसे करते हैं। अब जैसे ही आप F5, इसमें V से नहीं होता, नॉर्मली सब गेम्स में V से कंट्रोल मतलब वो FPP TPP चेंज होता है, इसमें F5 से होता है। F5 जैसे आप प्रेस करोगे तो ये देखो देख सकते हो आप अभी TPP में आ चुका हूँ, और जैसे आप F5 वापस प्रेस करोगे तो ये मुझे नहीं पता कौन सा मोड है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा दिख जाता है अपना इस मोड में, ठीक है। TPP में इसमें नहीं दिखता, जैसे आप कितना ही कन्वर्ट कर लो ये मुंडे घुमा लेगा अपनी, शर्मा रहा है अभी, ठीक है। लेकिन जैसे आप F5 आप वापस प्रेस करोगे तो ये शर्माना बंद कर देगा, मतलब इसमें आप मुंडी देख सकते। नेक्स्ट बात करते हैं विजिबिलिटी, मतलब जैसे आप मान लो आप यूट्यूबर हो और आपको जैसे आपने कोई घर बनाया, एक मिनट यार, हाँ जैसे आपने यहाँ पे देखो यहाँ पे मान लो कोई घर बनाया, उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, क्या दिक्कत है। लेकिन अब देखो नीचे ये जो बॉक्सेस हैं, ये हेल्थ है, ये राइट साइड ये देखो ये येलो येलो जो भी है, ये तो मैंने ले रखा सेलेक्ट रखा है, ठीक है, ये इसको मतलब ये आएगा थोड़ा अजीब लगेगा, तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा F1 प्रेस करना है। जैसे आप F1 प्रेस करोगे तो ये सब कुछ हट जाएगा। अब FPP में क्या होता है देखते हैं, इसके हाथ में तो रहता है लेकिन वो सब नहीं रहता, लेकिन TPP में हाथ में भी नहीं दिखता है, ठीक है, वो पीछे कर लेता, अपने पीछे छुपा लेता है, ठीक है। जो भी है ये बेसिकली यूट्यूबर्स के लिए था, मतलब वो थंबनेल के स्क्रीनशॉट लेते हैं, या फिर जो भी है आपको किसी फ्रेंड को भेजना है तो उसमें मतलब ये थोड़ा अजीब लगता है, देखो ऐसे स्क्रीनशॉट आएगा नीचे थोड़ा डिस्टर्बेंस सा लगता है, तो इसको हटाने के लिए आपको F1 प्रेस करना होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं फुल स्क्रीन। अभी आप मेरे ऊपर देख सकते हो ये माइनक्राफ्ट लिखा हुआ है सिंगल प्लेयर, ये मेरी फुल स्क्रीन नहीं है। अगर मैं फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ ना तो मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाता, मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। आई नो मैंने खूब ट्राई कर लिया लेकिन इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला मेरे को, तो अगर आपको पता हो तो बता देना प्लीज़, ठीक है। अब जैसे फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन के लिए आपको F11 प्रेस करूँगा, जैसे ही मैं F11 प्रेस कर दूंगा ना तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगी, रिकॉर्ड आवाज़ होगी रिकॉर्ड लेकिन स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगी। अब जैसे मैं F11 प्रेस कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये फुल स्क्रीन हो चुका है, लेकिन मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड होना बंद हो गई,
तो इसलिए मैं नहीं प्रेस करके रखता। अब देखो वापस रिकॉर्ड होना चालू हो गई, ठीक है। तो गाइज अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स कैसे देखते हैं। देखो अभी ये काम नहीं कर रहा था इसलिए मैंने रिस्टार्ट करा गेम। F3 प्रेस कर रहा था तो वो दिखाई नहीं रहा था, लेकिन अभी रिस्टार्ट करा तो वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। जैसे ही आप F3 प्रेस करोगे तो वो स्टैटिस्टिक्स दिखा देगा, मतलब ये कौन सा वर्जन खेल रहे हो आप माइनक्राफ्ट का, आपके कितने FPS आ रहे हैं, कौन सा ग्राफिक कार्ड है, कौन सा जावा वर्जन है, कौन सा है विंडो वर्जन है, जो भी है इसमें सब कुछ दिखा देता है आपके, ठीक है। ग्राफिक कार्ड आपके पास कौन सा है वो भी दिखा देता है, CPU सब कुछ बता देता है, ठीक है। जनरेशन आपकी, जैसे मेरा देखो आप राइट साइड देख सकते हो, 8 इंटेल आर कोर i7 8565U CPU 1.80 GHz, सब कुछ दिखा। देखो ये बेसिकली क्या यूज़ में आता है, जैसे मैंने ज़्यादातर इसको ये इसके लिए यूज़ में लिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो XYZ लिख रखा है और उसके आगे माइनस ये जो भी है स्लैश करके डायरेक्शन दिखा रखे हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये डायरेक्शन शो करता है। जैसे अब मैं यहाँ पे हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, आगे जाऊँगा तो ये बढ़ जाएंगे, देखो देखो चेंज हो रहे हैं। तो जैसे ये बेसिकली मल्टीप्लेयर में यूज़ में आता है, जैसे मल्टीप्लेयर में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई कहीं और खड़ा है तो उसको डायरेक्शंस बता दो, वो वहाँ पे आ जाएगा। और बाकी सब ये यूज़ होता होगा, इसका कुछ तो यूज़ है जब भी दे रखा है, ठीक है। जिसको यूज़ करना आता है वो यूज़ कर लो, जिसको नहीं आता बस मैं जैसे बैठे रहूँ। जैसे F3 तो हो गया, अब जैसे शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करोगे ना तो आपको ये परफॉर्मेंस भी दिखेगी। राइट साइड ये जो देख रहे हो ये पाई डायग्राम, ये ग्राफ है, ये आपको दिखेगा, ये परफॉर्मेंस का ग्राफ है। आप जिसको जूम करके देखोगे तो इसमें काफ़ी कुछ दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा, लेकिन अभी मैंने जूम कर दिया तो देख लो आप, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस दिखाता है बेसिकली। तो इसमें बस ये फ़र्क है कि इसमें ये पाई डायग्राम ऐड हो जाता है। तो रात हो गई, सो जाते हैं। तो अब परफॉर्मेंस सब कुछ ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल्स हो गए हैं, बस 2-3 बचे हैं। तो गाइज अभी नेक्स्ट मल्टीप्लेयर का कंट्रोल है जो कि इसमें यूज़ नहीं होगा। अब जैसे आप टैब प्रेस करोगे ना तो आपको नाम दिख जाएंगे, मतलब जैसे अब यहाँ पे तो ये सिंगल प्लेयर है, देखो अब इसमें दिखता भी नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात मान लो भाई, सिंगल प्लेयर है। और जैसे आप मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हो तो उसमें आपको बंदे का नाम पढ़ना है, जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है उसका नाम मेरे को नहीं पता और उसका नाम देखना है, तो जैसे आप टैब प्रेस करोगे ना तो वो उन प्लेयर्स के मतलब नाम दिख जाएंगे, ठीक है। तो अब टैप प्रेस कर, ये देखो मैं ये शो नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे पास मल्टीप्लेयर नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ यार, समझो, ठीक है। अब जैसे एक बेसिक कंट्रोल मैं भूल गया था, मतलब नॉर्मल कंट्रोल जो मुझे पहले बता देना चाहिए था लेकिन वो मैं भूल गया। जैसे अब ये बेड है मेरे हाथ में, देखो जैसे ब्लॉक है, जैसे ये हाथ में आप देख सकते हो, देखो FPP में करके देखो, ये रहा आप देख सकते हो, ये हाथ में ये ब्लॉक है। अब FPP में आ जाते हैं वापस, तो उसको प्लेस करना है एक टाइप से, तो उसको आपके लिए राइट क्लिक प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप राइट क्लिक प्रेस करोगे तो प्लेस हो जाएंगे, जैसे अब यहाँ पे, अब जैसे आपको वहाँ जहाँ पे भी प्रेस करना है ना वहाँ पे एरो ले जाना होगा, राइट क्लिक प्रेस करना। अब जैसे ये नहीं है आपको वहाँ पे उस पेड़ पे प्लेस करना है तो राइट क्लिक, एक इसकी लिमिट होती है, जैसे यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक, इस उस तक भी नहीं कर सकते, वहाँ पे भी नहीं कर सकते। अब इनको तोड़ लो ऐसे बस। अब जैसे राइट क्लिक, एक तो इसका ये यूज हो गया, राइट क्लिक का एक और यूज है, जैसे एक मिनट इनको तोड़ता हूँ भाई। जैसे अभी ये बैड है मेरे पास, आप देख सकते हो, अब इसको राइट क्लिक किया मैंने, अब जैसे इस पर राइट क्लिक वापस करूंगा ना तो मैं इस पर सोया, अभी नहीं सो सकता क्योंकि अभी रात नहीं है, ठीक है, केवल रात में सो सकते हैं। अब जैसे किसी और चीज़ में यूज में लेके बैठा, जैसे अभी देखो आप देख सकते हो ये मेरे पास रॉ मटन है, तो ये किस लिए यूज में आता है, बेसिकली हेल्थ इंक्रीज करने के लिए। अभी आप राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड देख सकते हो, ये मेरे दोनों कम है, राइट साइड वाली हेल्थ है और नहीं सॉरी लेफ्ट साइड वाली हेल्थ है, राइट साइड वाली बूस्टर है, मतलब राइट साइड वाली बढ़ेगी ना तो ही लेफ्ट साइड वाली बढ़ी। अब जैसे मैं इसको यूज करना है, इसको खाना है मतलब बेसिकली, तो आपको राइट क्लिक प्रेस करके रखना पड़ेगा। अब देखो मैं FPP में करके दिखा, जैसे मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा तो खाएगा, इसमें थोड़ा अजीब लग रहा है, TPP में खाते हैं, FPP में आप देख सकते हो ये थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। अभी देखो ये इंक्रीज हो चुकी है, अब देखो लेफ्ट साइड वाली भी हेल्थ धीरे धीरे इंक्रीज होगी, देखो बढ़ गई, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कंट्रोल्स थे। अब एक और चीज़ रह जाती है, जिसे जैसे नॉर्मली ये शील्ड के लिए यूज़ में होता है, मतलब शील्ड आगे वो देखा होगा हमने प्रो प्लेयर्स को, वो आगे करते हैं इसे, तो वो कैसे करते हैं, जैसे अब देखो मैं इन्वेंट्री खोलता हूँ, देखो इसमें इसका थोबड़ा दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये पूरा ये है। अब यहाँ पे ये बेसिकली शील्ड के लिए यूज में होता है, इसमें आपको कुछ भी रखना है, बेसिकली शील्ड रखते हैं लोग, लेकिन इसमें आपको कुछ भी रख सकते हो, आप दो हाथ है ना तो दो, ये दूसरा हाथ है एक टाइप से, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो,
जैसे अब मैंने ये रखा तो दूसरे हाथ में ये वाला आएगा। अब देख सकते हो दोनों हाथ मेरे भरे हैं, ठीक है। अब इसको नॉर्मल वैसे भी कर सकते हो आप, जैसे अब मतलब बिना इन्वेंट्री खोले, जैसे आप, जैसे मैं मान लो ये बेड को लेफ्ट साइड ले जाना चाहता हूँ, मतलब लेफ्ट वाले हाथ में, जैसे आप एफ प्रेस करोगे तो लेफ्ट वाले हैंड में आ जाएगा, ठीक है। और उसमें कुछ है तो वो उस राइट साइड वाले में आ जाएगा, वो स्विच हो जाएंगे। अब जैसे मैं ब्लैंक वाले पे, जैसे ये ब्लैंक है, इस पे जाके एफ प्रेस करूँगा तो वो मतलब वहाँ पे आ जाएगा, जो लेफ्ट साइड वाले हाथ में था वो इधर स्विच हो जाएगा। अब वापस एफ प्रेस करूँगा तो ये राइट साइड वाले में चल जाएगा, लेफ्ट साइड वाले में चल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा अभी, चलो कोई नहीं, कंट्रोल्स हो चुके हैं पूरे, ऑलमोस्ट पूरे नहीं, ऑल कंट्रोल्स नहीं थी, ये बेसिक कंट्रोल्स थी, लेकिन इस बेसिक में 90-95% कवर हो चुके हैं ऐसा मेरे को लग रहा है, और ऐसा शायद तक है भी। देखो मैंने ये गेम नहीं खेला इतना, लेकिन जितना मेरे को आता है उतना मैंने बता दिया, मैंने गूगल भी किया है काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी यहाँ से भी देखी हैं। देखो आपको बता देता हूँ, एक मिनट, कंट्रोल्स तो यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी सारे कंट्रोल्स यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन कुछ कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे जैसे नॉर्मली उस वो वाले, क्या बोलते हैं उनको, कौन सा मोड था वो, हाँ क्रिएटिव मोड, क्रिएटिव मोड के कंट्रोल्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे, वो उड़ने वाला वगैरह वगैरह, ये कुछ कंट्रोल्स नहीं मिलते तो वो गूगल कर लिया मैंने, ठीक है। तो बस यार वीडियो में बस इतना ही था, चलो तो बस यार वीडियो में बस इतना ही था। और एक और बात है, अगर आपको माइनक्राफ्ट पे कोई और मतलब और जैसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए ना तो कमेंट कर देना किसके बारे में आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, तो मैं उस पर बना दूंगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, चलो बाय।